Hello people, how are you? I hope you all are good. Now in this video lecture, I am going to discuss about order of magnitude. हम समझेंगे इस वीडियो में कि order of magnitude क्या होता है बहुत ही best way में. तो सबसे पहला question मेरा आपके लिए ये है कि अगर आपके पास कोई एक बहुत बड़ी value हो और आपको उसे लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? Like आपके पास है mass of earth. आपको पता है mass of earth कितना होता है? Yes, mass of earth होता है 6000000, ऐसे total 24 times तक zero, ठीक है? ये 24 times बोला, ठीक है? 24 times तक zero होते हैं और फिर बाद में kg लिखते हैं, ठीक है? तो इतना zero होता है कि आप किसी में मतलब numerical में आप इस value को ऐसे लिखोगे, ऐसे इतने बार zero लिखोगे? नहीं. तो इसको लिखते कैसे हो? इसको लिखते हो आप कुछ इस तरह से, 6 × 10⁴ kg, है ना? इसी फॉर्म में आप लिखते थे क्लास 10th में ग्रेविटेशन चैप्टर में. नाउ अब ना किसी भी वैल्यू को लिखने का एक तरीका होता है. जैसा हमने इसको लिखा, इसका अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो a × 10⁻, ये जनरल फॉर्म होता है, ठीक है? इस तरह से हम किसी भी बड़ी मेजरमेंट को या बहुत ज्यादा छोटी मेजरमेंट को लिख सकते हैं, जिसमें ये जो a है ना, ये a होता है सिग्निफिकेंट फिगर, और जो ये n है, ये n होता है इंटीजर, यानी कि ये जो n है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है. एक बात और ध्यान रखना, इसी n को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? ये n है, ये जो 10 के पावर में n है ना, इस n को आप बोलते हो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो सर यहाँ पर ये 24 लिखा हुआ है 10 के पावर में, क्या ये 24 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है? ना ना ना, ये 24 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं है. तो सर क्यों? आपने तो भी बोला ना कि 10 के पावर में जो n है, इस n को ही हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं. तो ये भी तो उसी फॉर्म में है, इसमें भी तो 10 है, इसकी भी तो पावर में एक नंबर है n है. इस n को, इस 24 नंबर को मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलूंगा ना? नहीं. क्यों? बिकॉज इसके बाजू में जो ये सिग्निफिकेंट फिगर है ना, इसका भी कुछ रोल होता है. क्या रोल होता है इसका? ये जो a है ना, ये a का कुछ रेंज है, अगर वो उस रेंज को सेटिस्फाई किया तब ये 10 के पावर में जो नंबर होगा ना, वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा. क्या है वो रेंज? आइए वो देखते हैं. ये जो a है ना, a का रेंज होता है, 0.5 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए a, समझो 0.5 से इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए a की वैल्यू, या फिर 5 से कम होना चाहिए. मतलब जो a की वैल्यू, ये कहां से कहां तक, किस रेंज में लाई करेगी? 0.5 या 0.5 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से कम होनी चाहिए. अगर इस ये वैल्यू है a का, उसके बाद 10 के पावर में जो भी नंबर होगा उसको आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो यहां पर तो देखो ये 6 हो गया, यानी ये 5 से बड़ा हो गया है ना, तो फिर ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा, ठीक है? ये जैसी एक ऐसी एक मतलब आपको वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करता हूं. तो ये 6 को मैं ऐसे लिखूं 0.6. जब इसे 0.6 लिखता हूं तो यहां पर क्या होता है, ये 25 हो जाता है. ये क्या हो जाता है? 25 kg हो जाता है. नाउ कुछ बच्चे होंगे जिनको डाउट आया होगा ये 10⁵ कैसे हो गया, बताता हूं. देखो अब ये 6 है, करेक्ट है ना? अब यहां पर आप इसे क्या कर रहे हो, आप इसमें पॉइंट लगा रहे हो, पॉइंट लगा रहे हो 0, ठीक है? अब देखो पॉइंट किस तरफ लिए, पीछे लिए ना, मतलब आपने इस पूरे वैल्यू को छोटा कर दिया. पहले ये वैल्यू क्या थी? 6 थी, है ना? अब आपने क्या कर दिया, इसे 0.6 कर दिया. तो बताओ आपने वैल्यू को बड़ा किया कि छोटा किया? ऑफ कोर्स सर, मैंने वैल्यू को छोटा कर दिया. तो वैल्यू को आपने छोटा किया ना, तो उसे कम वापस से बैलेंस करने के लिए, छोटा किया ना उसे बड़ा करने के लिए, आप क्या कर दो, 10 के पावर में दो. कितना दो? जितना आपने छोटा किया. आपने एक ही पॉइंट बनाया ना, तो आप एक ही ऊपर दोगे, ठीक है? 1. ये एक तरीका था, एक ट्रिक था, ठीक है? तो इस तरह से आप याद रख सकते हो. आपने 6 को जब 0.6 बनाया तो 0.6 × 10⁻¹ हो जाएगा. नाउ 0.6 बना दें × 10⁻¹ और पहले से वहां पे 10⁴ था, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, आपको मालूम है, ये दोनों ऐड हो जाएगा 25. तो ये एक तरीका है जिससे मैंने बताया कि ये कैसे बना, ठीक है? अब यहाँ पर देखो 0.6 × 10⁵ kg हो गया है. ये देखो ये 0.6 है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है सर? ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 10 के पावर में जो नंबर है, ये नंबर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर रहेगा आपको पक्का? बताओ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं बताओ? तो यस, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट है टोटल 1. कितना? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे. और अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, तो यहाँ पर टोटल 25 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ठीक है? इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 25 है. क्या आपको ये बात समझ में आया पक्का?
तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यूज की बात हो गई ना। अब हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम बहुत छोटी वैल्यू की बात करते हैं। हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। चार्ज को हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 0.00000, ऐसे टोटल 19 टाइम्स, सब जाके क्या आता है, 16 आता है। क्या आता है, 16 आता है, ठीक है। सो ये इतना छोटा होता है, आपके हर जगह पे आप इतना छोटा लिखते जाओगे, नहीं सर ऐसे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आप इसे लिखते हो 1.6 × 10⁻¹⁹ लिखते हो। आप क्या लिखते हो, -19। तो देखो ये 1.6 क्या एक ही वैल्यूज को, एक ही रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। यस, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो है ना 10⁻¹⁹, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा -19। तो मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, यस यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट है 2, 1 और 6। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है।